दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ पश्चिम बंगाल राज्य के बर्धमान जिला में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है घोला। जी हाँ, कोलकाता से 130 किलोमीटर दूर इस घोला गांव में आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाले हैं हम, जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। हम लोग पहुंच गए हैं घोला पे। अब वहाँ पे जाने की देर है, जहाँ पे हम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या सरप्राइज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये रहा दोस्तों वो सरप्राइज़, और वो भी बिल्कुल गांव के बीच में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त राज, और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ मैं। कहते हैं कि इरादा अगर बुलंद हो और दिल में अगर जोश और जज्बा पूरी तरह से कायम हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। और उसका जीता जाता मिसाल है मेरे बाजू में बैठे हुए ये शख्स, जो कि एक सीधा साधा गांव का रहने वाला है, जिसको ज़्यादा पढ़ाई का मौका नहीं मिला है, पर उसने कुछ ऐसा कारनामा कर डाला है जो कि अपने आप में एक मिसाल है। इसने एक पूरी हेलीकॉप्टर बना दी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसने पूरी तरह से एक हेलीकॉप्टर बना दिया है, जो कि ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद अभी। ये है वो हेलीकॉप्टर। अब इसके पीछे का क्या कहानी है, किस तरह से इनको सूझा कि ये एक रिमोट विलेज में रहते हुए अचानक से ये एक हेलीकॉप्टर बना दिया, क्या है इसके पीछे का पूरी कहानी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो इनके कहानी इन्हीं के जुबानी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, और आपका नाम बताइए सर। रजाउल शेख बाबूदा, मतलब बोल के बाबूदा, बाबूदा बोल के सब यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे बाबूदा बोल के जानते हैं। अच्छा, और आपको कब सूझा कि ये आप हेलीकॉप्टर बना सकते हो, और किस तरह से आपको ये आइडिया आया? मतलब ये आइडिया मेरा कुछ नहीं है, ये आइडिया है मेरा पिताजी का। अच्छा, ठीक है, उन लोग ही बुलाता है जब कोई भी एक चीज़ बना के। अच्छा, तो गांव का देशों का जो आदमी आएंगे यहाँ पे चिन्हेंगे जानेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसी का सपना पूर्ण करना हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब उसने जो सपना देखा था अब उसको साकार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आप कहाँ से, मतलब ये जुगाड़ कहाँ से किए, मतलब कोई रिसर्च वर्क आपने किया है इसके पीछे? नहीं नहीं नहीं, वो खुद आपने, मैं 6 साल तक सोचा, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग किया, नक्शा किया। हाँ, मतलब 6 साल से, छः साल से आपका काम जारी है, मतलब जारी है। हाँ हाँ, ठीक है। अरे काम चालू किया, मतलब 7 महीना हो गया। अच्छा, 6 महीना काम चालू है, थोड़ा पूजा आ जा है, इसलिए 1 महीना का तरफ काम बंद है। अच्छा, अभी पूजा टूजा हो गया। अच्छा, ठीक है, तो काम फिर भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये मास का आप लोग टारगेट रख लीजिए जो कंप्लीट हो जाएगा ये मास तक। अच्छा, मतलब आप, मतलब इसका टेस्टिंग आप चालू करेंगे? सर्विस जो कुछ करना है ये महीने में हो जाएगा। अच्छा, ये टारगेट लग जी। अच्छा, तो मतलब ये इंजन के बारे में कुछ बताइए कि इसका जो, मतलब क्या इसका ढांचा, कैसे आपने जुगाड़ किया, कैसे क्या इंजन किए? जल जहाज है, उसी का इंजन हैवी इंजन है, कैटरपिलर का। अच्छा अच्छा, 39.3 horsepower है। अच्छा, 300। ये तो शायद मतलब पैसेंजर के लिए नहीं है शायद, ये सामान कैरी करने के लिए ये बना। पैसेंजर बोलेगा तो पायलट लेके 5 आदमी बैठेगा यहाँ पे। अच्छा, और सामान जो बोलेगा वो तो 2.5 टन माल बहन कर सकते हैं। 2.5 टन माल बहन कर सकते हैं, मतलब 2.5 टन माल यहाँ पे आप, मतलब कोई सामान आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर में 393 हॉर्स पावर वाला इंजन इंस्टॉल करने की प्लान है, और रिजाउल भाई के माने तो अभी तक इसके लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए खर्चा हो चुका है, और इंजन इंस्टॉल करने के लिए और कम से कम 30 लाख रुपए का ज़रूरत होगा, तो कुल मिला के ये 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसका जो ब्लेड है वो थोड़ा, मतलब नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर है उससे कुछ ज़्यादा ही, मतलब लंबा लग रहा है। लंबा, लेकिन वो जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर है उससे ज़्यादा लंबा भी है,
अच्छा, ब्लेड का डायमीटर भी ज़्यादा है। अच्छा, हॉर्सपावर का भी ज़्यादा है। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर की लंबाई है 41 फीट और इसका ऊपर वाला जो पंखा है उसकी ब्लेड का जो डायमीटर है वो है 40 फीट, जो कि नॉर्मल हेलीकॉप्टर से थोड़ा ज़्यादा है बोल के कह जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कब तक आपका, मतलब आपको क्या गवर्नमेंट से कोई मतलब पैसा मिला है कि नहीं, आपको नहीं, कोई नहीं, हेल्प नहीं, मिला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, नहीं। लेकिन आपका तो ये खबर तो अभी तक तो शायद फैल चुका है, मतलब हाँ, गवर्नमेंट तक तो खबर जा चुका रहा है, प्राय 9-10 देश देख रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, अभी तक कोई सरकार फंड से। अच्छा, आप ये जो हेलीकॉप्टर जो आप उड़ाएंगे तो आप इसके लिए तो परमिशन शायद आपको लेना पड़ेगा? परमिशन जब इंडस्ट्रीज के अंदर में जहाँ हाँ, पे बांधते हैं हाँ, हर दुनिया में। अच्छा, जहाँ पे हेलीकॉप्टर बांधते हैं तो उसी का मतलब एरिया का अंदर हाँ, 20 फुट तक छोड़ रहा है। अच्छा, मतलब 20 फुट तक आपको छाड़ मिलेगा, परमिशन नहीं लेना है। अच्छा, मतलब फ्री सर्विस जो होता है हाँ, खड़ा 20 फुट मतलब 20 फुट ऊंचाई तक आप उसको लेकर जा सकते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ से मार्चिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मार्चिंग कर पाएगा तो परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन के लिए मेरा एमएलए, मंत्री, जिला परिषद, एसडीओ, बीडीओ, एसआईसी के साथ आपने कांटेक्ट किया है? हर आदमी है मेरा साथ में, परमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, उन लोग परमिशन जरूर कर देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब कब तक ये मतलब उड़ान कब तक भरेगा? ये महीना टारगेट रखो, इस महीने मतलब अभी अक्टूबर के, अभी अक्टूबर के अंदर 9 तारीख हो रहा है तो अक्टूबर के खत्म होते होते आप बोल रहे हो कि शायद ये मतलब टेस्ट आप कर पाएंगे। ठीक है दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब ये हेलीकॉप्टर अपना उड़ान भरेगा तो उसका वीडियो भी हम लाने की कोशिश करेंगे, और हम चाहेंगे कि जिस उम्मीद से, जिस जज्बात से रिजाउल भाई ने मतलब इस हेलीकॉप्टर को बनाया है वो अपने इम्तिहान में खड़ा उतरेगा। और इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का ये ब्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बाजू में एक देखिएगा एक बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला जितना वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।